भाषा के बारे में कि भाषा है क्या। आपको पता है कि हम सब आपस में बातचीत करते हैं और बिना बातचीत किए हम अपनी बातें दूसरों को बता नहीं सकते, है ना। आपकी बात मैं समझू, मेरी बात आप सब समझे, ये भी भाषा है। जब हम आपस में अपनी बातें दूसरों को समझा देते हैं और दूसरों की बातें हम खुद समझ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, भाषा। यानी आपस में बातचीत करना ही अपनी बातें अपने मन के विचार दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के समझ जाते हैं, वही भाषा कहलाता है। भाषा समझ में आए सभी की। उसके बाद हमें पढ़ना है भाषा के रूप, और भाषा के रूप जो है वो देखिए ध्यान से समझेंगे सभी। सबसे पहले भाषा की परिभाषा देखिए क्या है कि जिस साधन से हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों की बातें समझ सकते हैं उसे क्या कहते हैं, भाषा। और किस साधन से समझते हैं, आपस में बोलकर बातचीत करके, ना। इसके बाद है भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं, दो। पहला कौन सा, मौखिक भाषा। दूसरा, लिखित भाषा। भाषा के दो रूप है, एक मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक रूप वो होता है जिसमें हम मुंह से बोलते हैं और मुंह से बोलने के बाद दूसरे उसे कानों से सुनकर समझते हैं। जब मैं अभी कुछ बोल रही हूँ, मुंह से बोल रही हूँ और आप सब उसे अपने कानों से सुनकर समझ रहे हैं। जब हम अपनी बातें मुंह से बोलकर दूसरों को समझाते हैं तो वो क्या कहलाता है, मौखिक भाषा। और ऐसे ही दूसरा रूप है लिखित भाषा। लिखित, लिखित जब हम अपने मन की बातें कोई भी बात जब हमें कहनी है उसे हम लिखकर कहते हैं और दूसरों से पढ़कर समझते हैं तो वो क्या कहलाता है, लिखित भाषा। लिखित भाषा जैसे हम किसी को मैसेज करते हैं, एक समय था जब हम चिट्ठियां लिखकर भेजा करते थे, आपकी किताब में जो लिखा है उसे पढ़ रहे ना, क्योंकि वो लिखा हुआ है तभी आप उसे पढ़ रहे। तो जो लिखकर अपने मन की बातें समझाई जाती है, अपने मन की बातें कही जाती है, जब हम किसी को लिखकर कुछ बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा।